बढ़ला कोविशील्ड डोज र व्यवधान। प्रथम और द्वितीय डोज मध्यरे व्यवधान रही पारिब 12-14 सप्ताह। शिशुं कोवैक्सीन टीकार क्लिनिकल ट्रायल को DCGI अनुमति। कोविशील्ड वैक्सीन रो दुई डोज रो समय व्यवधान बढ़ला। कोविशील्ड रो प्रथम डोज परे द्वितीय डोज 12-14 सप्ताह व्यवधान रे दिया जिवो बोली सरकारी पैनल नेशनल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्युनाइजेशन तरफ रु सूचना दिया जाय छे। आगरु प्रथम डोज कोविशील्ड नेबार 6-8 सप्ताह मध्य द्वितीय डोज दिया जाउथिला। तेबे कोवैक्सीन को नहीं NTAGI तरफ कौनसी सरकारी निर्देशनामा प्रकाश होइना। एने नीति आयोग सदस्य बीके पाउल सरकार को सुपारिश करिछन्ति। बुधवार एक बैठक रे एने आलोचना होइछि। एथिसह कोविड रु सुस्थ हेबा परे संगे संगे प्रथम डोज टीका न नै 6 मास परे नेबा पई परामर्श दिया जाइछि। वर्तमान कोविड रु सुस्थ हेबार 14 दिन परे टीका दिया जाउछि। एहाकु वृद्धि करि 6 मास करिबाकु सुपारिश करा जाइछि। एथिसह विशेषज्ञ कमिटी सुपारिश अनुसार कोविड चिकित्सा समय प्लाज्मा नेइतिबा लोक अंततः 12 सप्ताह परे टीका नेबे। सेइभळी अन्य कोनोसी गुरुतर रोगरे आक्रांत होइतिले सुस्थ हेबार 4-8 सप्ताह परे कोविड टीका नेबाकु सुपारिश करा जाइछि। सेइपरि खूब शीघ्र देशरे 2-18 वर्ष पिलांक उपरे कोवैक्सीन टीकार क्लिनिकल ट्रायल पई भारत बायोटेक को अनुमति देछि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बा DCGI। द्वितीय और तृतीय पर्याय टीका परीक्षण पई अनुमति मिलछि। खूब शीघ्र देशर विभिन्न स्थान रे शिशु मानक पई कोवैक्सीन टीकार ट्रायल करिवो भारत बायोटेक। 2-18 वर्ष पिलांक उपरे कोवैक्सीन टीकार द्वितीय और तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल प्रस्ताव उपरे मध्य सरकार निष्पत्ति नेछन्ति। आज DCGI भारत बायोटेक को अनुमति प्रदान करिछि। ट्रायल बेले टीकार 2टी डोज दिया जिवो। थर्ड वेव रे छोट पिला अधिक संक्रमित हेबार आशंका थिबारु एहार मुकाबिला करिबा पई ता पूर्वरु टीका ने प्रस्तुति आरंभ होइछि।